किसान संघर्ष समिति एपीएमसी शिमला के कार्यालय के बाहर 22 अप्रैल को महाधरने का आयोजन करेगी। ये निर्णय किसान संघर्ष समिति की नारकंडा में हुई किसानों व सेब उत्पादकों की बैठक के बाद लिया गया। इस धरने में मुख्य मांगे और मुद्दे आढ़तियों द्वारा सेब उत्पादकों को उनके सेब की बिक्री का पैसा समय पर ना देने व कई बागवानों को वर्षों से सेब के पैसे के भुगतान ना किए जाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी इस मुद्दे पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। बैठक में एक लंबी चर्चा के बाद सामने आया कि इलाके के किसानों का करोड़ों रुपया एपीएमसी के नकारात्मक रवैये के चलते आढ़ती डकार गए हैं, जिसके कारण किसानों और बागवानों में रोष है। इस सब को देखते हुए किसान संगठनों व सेब उत्पादकों के द्वारा किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 24 मार्च को कोटखाई में बैठक आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद लगातार 2 अप्रैल को ठियोग, 3 अप्रैल को ननखड़ी, 7 को जुब्बल, 8 अप्रैल को टिक्कर, 9 को रोडू तथा 10 को नारकंडा, 12 को रामपुर, 15 को आदि व 18 अप्रैल को निर्मंड में किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम हेमराज चौहान है, मैं रतनारी पंचायत का एक किसान हूँ। हमारे यहाँ पे किसान संघर्ष कमेटी बनी, हमारी जो पेमेंट रहती थी उनकी बदौलत काफ़ी संघर्ष करने के बाद सारे जितने भी किसान भाई ये सब ने एकजुट बन के इस हमारी पेमेंट को दिलवाया। आगे भी हम किसान भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि आप भी किसान संघर्ष समिति में आओ, मिलो और अपने कोई भी समस्या हो इसको सब किसान भाई ने सॉल्व करेंगे। किसी के पास पेमेंट फंस रही है, कोई और प्रॉब्लम है, ये सब किसान भाई एकजुट के सबके सहयोग से सब कुछ होगा। एक दो से नहीं बनेगा, ये सबका जुट होना चाहिए। जितने किसान हमारे इस कमेटी में जुड़े रहेंगे इतना ही सब किसान को फायदा होगा। गरीब है, अमीर है, जो भी है, उसके साथ हम लोग सब एकजुट के काम करेंगे। थैंक यू। आपका कितना पैसा था फसल? मेरा 3.5 लाख रुपया था। अभी हमारा 11 आदमी का 24 लाख रुपया था। 24 लाख रुपये में से हमारा 16 लाख रुपया आ गया, जो हम 11 आदमी ने बांट लिया है। अब एक के पास, एक पार्टनर के पास 8 लाख रुपया रहा है, वो अभी पुलिस का स्टडी में था और उसको भी शायद अभी सुना है कि 1 महीने की मोहलत दी है, वो भी पैसा हमारा मिल जाएगा। तो मैं मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा हूँ, मैं पुजाली से बिलोंग करता हूँ और मैं जो है किसान कमेटी से जुड़ा हूँ और मेरे जो है पैसे थे वो जो है 16-17 में मैंने बेचे थे और मेरे पैसे नहीं मिले, इसलिए मैं किसान कमेटी से मिला जुड़ा हूँ और उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया है और जिसमें कि हमारे जो है 16 लाख आ चुके हैं और 8 लाख जो है बाकी रहते हैं, जिसको शायद लेने की उम्मीद रखा हूँ।